हेलो एवरीवन, चैलेंजिंग सीरीज के डे 104 में आपका स्वागत है। आज का सवाल हमारा एजेस पे बेस्ड है। चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। जो लोग मेरे बारे में या चैलेंजिंग सीरीज राउंड के बारे में जानना चाहते हैं, इस वीडियो को पॉज करके कंटेंट को पढ़ के पूरी जानकारी ले सकते हैं। लोगों का सवाल क्या है, देखिए सवाल में क्या बोल रहा है। टोटल एजेज ऑफ सेवन स्टूडेंट नेमली ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, यहाँ एक जी भी होगा, ठीक है, सेवन के लिए यहाँ पे जी होगा, इज 128, यानी कि सातों का सम कितना है, 128 है। मैंने लिख दिया यहाँ से ए बी सी डी ई एफ एंड जी, ये सातों मिला के कितने हैं, 28, ठीक है। इफ द एज ऑफ वन स्टूडेंट इज 7 ईयर यंगर देन द मैक्सिमम एज स्टूडेंट, ठीक है, इज काउंटेड 5 ईयर अप, ठीक है, काउंटेड बाद में, पहले 7 साल छोटा है ये हमको इंडिकेट करना है। तो मैक्सिमम एज जो होगा उसको हम लोग बोल देते हैं यहाँ से ए, ठीक है, यानी कि कैपिटल ऐसे मैक्सिमम एज्ड वाले जो थे वो, और कोई भी एक स्टूडेंट पकड़ लेते हैं, यानी कि उसको अगर हम लोग बी पकड़ लेते हैं, तो एक स्टूडेंट का जो एज है मैक्सिमम वाले से कितना कम है, 7 कम है, यानी कि 7 कम कर दिया। अब बोल रहा है इज काउंटेड 5 ईयर अप, 5 साल ऊपर काउंट कर लिया जाता है, देन द एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट एंड द स्टूडेंट विथ मैक्सिमम एज बिकम कितना, 27, एवरेज जो है वो 27 हो जाता है। 27 हो जाने का मतलब क्या, उन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 27 इंटू 2, यानी क्या बोल रहा है कि बी और ए को जब हम लोग लेते हैं और किसी एक का जो है 5 साल ऊपर काउंट कर दिया जाता है, तो इनका एवरेज होता है 27, एवरेज यानी कि सम बराबर कितना, 27 इंटू 2। अब यहाँ से हम बी की वैल्यू रख सकते हैं, ए माइनस 7 प्लस में ए प्लस में 5 बराबर में कितना हमारा हो जाएगा यहाँ पे, 54, ठीक है। अब इसी को हम लोग जब सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो 2a और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 54, और यहाँ पे माइनस 2 है तो इधर माइनस 2 इधर आके क्या हो जाएगा हमारा, प्लस 2, ठीक है, यहाँ से हमारा 56 हो जाएगा, 2a बराबर में हमारा हो जाएगा 56, और यही कटेगा हमारा, तो यहाँ से ये यह हो जाएगा 28, a की वैल्यू हमारे निकल गई कितने, 28। जब a 28 निकल जाएगा तो b कितना निकल जाएगा, 28 माइनस 7 यानी कि कितना, 21, ठीक है। अब आगे देखो सवाल में क्या बोल रहा है कि आगे दे रखा है द रेशियो ऑफ द एजेज ऑफ 4 स्टूडेंट्स एक्सक्लूडिंग दीज 2, ठीक है, इन दोनों को छोड़ने के बाद 4 स्टूडेंट्स का रेशियो जो दिए हुए है वो कितना है, 10, 8, 5, 7। तो 4 स्टूडेंट हम लोग बोल देते हैं सी डी ई एंड एफ, ठीक है, इनका रेशियो दिए हुए है 10, 8, 5 एंड 7, इन सबको जोड़ेंगे तो 8, 7, 15, 5 कितना, 20, और 10 कितना हो जाएगा, 30, यानी कि इन सबको जोड़ने के बाद हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 30, ठीक है। और क्या बोल रहा है, एंड द रिमेनिंग वन इज 19 ईयर, एक जो बचा कौन बचा हमारा, जी बचा, जी की एज कितनी है हमारी, 19 ईयर्स है, ठीक है। तो अब देखो टोटल जब सम हमारा 128 है, जहां हमें ए मालूम हो गया, बी मालूम हो गया, जी मालूम हो गया, तो सी डी ई एफ का सम जो है, सी प्लस में डी प्लस में ई प्लस में एफ का जो सम है वो हम लोग निकाल सकते हैं, 128 माइनस ए कर देंगे, ए की 28, फिर बी कर देंगे, बी हमारा 21, और फिर जी कर देंगे, यानी कि 19 और चला जाएगा, ठीक है। जब फाइनली इन सबको घटा देंगे तो यही हमें घट के क्या देगा, 60 देगा, यानी सी डी ई एफ जोड़ के हमारा क्या आ रहा है, 60। यहाँ पे यूनिट बेसिस पे जब जोड़ रहे हैं तो 30 आ रहा है, यानी 30 का वैल्यू जब 60 के बराबर होगा तो 1 का वैल्यू किसके बराबर, 2, 1 जब 2 के बराबर होगा तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 into 2 यानी कि 20, 8 into 2 यानी कि 16, 5 into 2 यानी कि 10, एंड 7 into 2 यानी कि कितना, 14, ठीक है। इसी तरीके से निकल गया हमारा, हमसे पूछा था फाइंड द एजेस ऑफ ऑल ए बी सी डी ई एफ और जी का हमें एज बताना है, तो ए का तो हमारा निकला था 28, बी का निकला था हमारा 21, सी हमारा अभी निकला 20, डी हमारा निकला है 16, ई निकला है हमारा 10, एफ निकला है हमारा 14, और जी तो हमारा दिए हुए था कितना, 19, और इसी के साथ हमारा जो आंसर है वो यही है, 28, 21, 20, 16, 10, 14 एंड 19, ठीक है। होप आप लोगों को ये क्लियर होगा।